जब किसी परिवार, खानदान या कौम आदि में गिरावट या पतन आरंभ होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, और आज जाट कौम के पतन के कुछ लक्षण स्पष्ट देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, पहला, जिस कौम को अपने इतिहास का ज्ञान न हो, अपने महापुरुषों पर अभिमान न हो और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति का भान न हो, उस कौम का पतन होना निश्चित है। यही सब आज जाट कौम में व्याप्त है, जो हर जगह दिखाई देता है। दूसरा, जिस कौम को अपने अधिकारों का ज्ञान न हो, अपनी ताकत का आभास न हो, संघर्ष करने की नीयत न हो और अपने आप को समय के साथ परिवर्तित न करे, उसका पतन होना निश्चित है। इसका मैं एक जीता जागता प्रमाण देना चाहूँगा, जो कि हरियाणा के जाटों का है। पूरे भारत में हरियाणा के जाटों को सबसे पहले 1991 में ओबीसी में आरक्षण का लाभ दिया गया, लेकिन कब, किसने और कैसे उनका ये अधिकार छीन लिया, जाटों को भनक तक नहीं लगी। इससे स्पष्ट है कि जाट कौम अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है। तीसरा लक्षण है कि आज गांवों में जाट भाई औरतों की कमाई पर आश्रित हो चले हैं। गांवों में जाटनियां प्रातः से रात तक बैलों की तरह काम में जुटी रहती है और जाट भाई सारा दिन ताश खेलते रहते हैं। उनके पास खाने, नहाने, धोने तक की फुर्सत नहीं। वे पूछने पर कहते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं, वे तो टाइम पास कर रहे हैं, जबकि उनकी धोती, पैजामा, कुर्ता, पगड़ी, टोपला और चद्दर मैल से सने रहते हैं। चारपाई की पात टूटकर लटकती रहती है। घरों में मकड़ी के जालों और गंदगी की भरमार रहती है। इनको साफ करना ये भाई कोई काम नहीं समझते। औरतों की कमाई खाने की आदत बनती जा रही है, जो पतन का एक लक्षण है। ऐसे बहुत से लक्षण हैं जो स्पष्ट कह रहे हैं कि जाट कौम अपने पतन की ओर अग्रसर है। आज हमारी कौम में आपसी जलन और विरोध ने विशेष स्थान ले लिया है। जब कोई भी जाट किसी भी क्षेत्र में उठने का प्रयास करता है तो उसकी टांग खींचने के लिए कई हाथ आगे बढ़ जाते हैं, और जब वही जाट कुछ उठकर एक विशेष मुकाम पर स्थापित हो जाता है तो वही टांग खींचने वाले हाथ उसके पैर पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। यही आज के जाट के चरित्र में एक त्रासदी है। आज लगभग हर जाट पीछे से एक दूसरे की बुराई करते हैं, अर्थात आगे कुछ और पीछे कुछ, जो जाट चरित्र से एकदम विपरीत है। आज जाट कौम में अपने कौम के लिए दिल और दिमाग से काम करने वालों की भारी कमी है। अधिकतर जाट अपने नाम और फोटो छपवाने के इंतजार में रहते हैं। यदि किसी मंच से भाषण का अवसर मिल जाए तो अपने को बड़ा व्यक्ति समझकर विषय से हटकर भाषण झाड़ने की आदत सी बन गई है, जिससे प्रतीत होता है कि लोगों को अपने कौम का ज्ञान कम तथा अपने ज्ञान पर ज्यादा विश्वास है। जाटों में कहीं भी एकता नजर नहीं आती। इसका मुख्य कारण है, जाटों में अनेक विचारधाराएं जन्म ले चुकी है, जैसे कम्युनिस्ट, आर्य समाजी, राधा स्वामी, ब्रह्मा कुमारी, निरंकारी तथा सच्चा सौदा आदि, जो सभी जात पात का विरोध करते हैं। इसलिए फिर ऐसी विचारधाराओं के अनुसार जाट अपनी जाति जाट को जाट कैसे कहेगा। परिणाम स्वरूप जाट कौम अपने कौमी मुद्दे बनाने में असफल हो रही है, जो कौमी एकता के लिए अनिवार्य है। यही हकीकत है, जब तक किसी परिवार, गांव, समाज, कौम व देश के लिए कोई मुद्दा नहीं होगा तो फिर वे इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। आज हमारे साथ यही हो रहा है। हम चाहे किसी भी मत को मानने वाले हो, सबसे पहले खुद को जाट समझना होगा। लेकिन इसमें कोई अंदेशा नहीं कि जाट कौम हमेशा से ही राष्ट्रवादी रही है। जात पात का विरोध करने वाले जाट ही अपनी कौम का सबसे अधिक नुकसान कर रहे हैं, जो वास्तव में स्वार्थी है या अज्ञानी है या समाज से बहिष्कृत है। इसलिए जब तक हम अपनी कौम की बात करके कौमी मुद्दे नहीं बनाएंगे, तब तक कौम का उत्थान संभव नहीं है। आज जाट बड़े बड़े पदों पर अधिकारी है, लेकिन जब जाट अधिकारी बनता है या सफल व्यक्ति बनता है तो वह अपने कौम को भूल जाता है। हर जाट अधिकारी और कर्मचारी का यही फर्ज और धर्म है कि वह अपने कौम की हर संभव सहायता करे। केवल जाट के घर पैदा होने से जाट नहीं होता, उसका उच्चारण भी जाट जैसा होना चाहिए। मैं मेरी जाट कौम से यह कहने का अधिकार रखता हूँ कि आज जाट कौम अपनी जंग हार रही है। इन सब के बावजूद भी इस देश में आज भी जाट कौम संकट के समय सबसे अधिक एकजुट होने की ताकत रखती है। इसलिए आज हमें इस जंग को एक संकट समझना होगा। यदि हमें हारी हुई जंग को जीतना है तो संघर्ष को गले लगाना होगा, परिवर्तन पर विचार करना होगा। हिंदू, सिख और मुसलमान की बात छोड़कर केवल जाट बनना होगा। आस्था और अंधविश्वास के बीच एक लंबी लकीर खींचनी होगी। अपने हृदय में बैठे पाखंडवाद से अपना पिंड छुड़वाना होगा, अर्थात अपनी सोच को बदलना होगा। यही जंग जीतने की आखिरी तरकीब है, और जयकारा दो जाट एकता जिंदाबाद का। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।